मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 12 दिसंबर 1998। और मुरली का सार है, मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। तो चलिए सुनते हैं बड़े प्रेम और एकाग्रता के साथ आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने चारों ओर की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है, स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं, और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है, और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्त धारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारी कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण के रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्म बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसे भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? तो यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देखकर हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसके कारण को आप अच्छी तरह से जानते हो, जानते हो बाबा कहते कारण। तो बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है, क्या? कि नंबर वन बनना है, सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना, राजा राम सीता भी नहीं बनने का चाहते। लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर वन का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर वन सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एकरस और सदा विजयी, और चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त, युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है, तो क्या नंबर वन बनेंगे व नंबर वार में आएंगे?
एक है नंबर वन और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, क्या पूछना है कि हम नंबर वन हैं या नंबर वार की लिस्ट में हैं। नंबर वन अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है, तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोल बोलते हो और चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप के समान है। ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, क्या मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है, ये चेक करना है। अगर नहीं है तो नहीं करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने की, वह कैसे होगा। अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक को सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता आप बच्चों को। क्या कहते हैं बाबा, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। तो ये गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं कि क्या होगा। 1999 आने वाला है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि क्या होगा, ये होगा कि वो होगा, ये होगा वो नहीं होगा, ये होगा, तो इस सोच में ज्यादा रहते हैं। ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होंगे होगा और कभी सोचते होंगे नहीं होगा। ये होगा होगा का गीत गाते ही रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा क्या होगा ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है। जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना सब कुछ भी रंग रूप दिखाए, कुछ भी रूप रंग दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। पूछ रहे हैं बाबा, हो तैयार। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, या क्या होगा क्या होगा इसी सोच में लगे हुए हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे या अपसेट होंगे कि ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो किसी भी प्रकृति की हलचल को देखते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। पूछा बाबा ने। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदाकाल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे ही अव्यक्त बना दे ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो। क्या पूछना है कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है, कर लिया है विश्व का कल्याण, विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है।
तो ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने में निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? करें, प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। पूछा बाबा ने कि 108 तैयार हो? व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं कि इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? अंडरलाइन है सदा, अंडरलाइन किसको करना है? सदा। तो बाबा कहते कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। फरिश्ता बनने की प्रैक्टिस तो करते हैं डबल लाइट फरिश्ता, पर बाबा क्या कह रहे हैं, किसको अंडरलाइन करना है? सदा को, कि हमेशा। तो कम से कम ऐसे कितने चाहिए बाबा को फरिश्ते? 108। तो बाबा पूछते हैं ताली बजाएं या 2000 में बजाएं या 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? क्या सोचते हो कि ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? क्या सोचते हो, ताली बजेगी उस समय बनेंगे, क्या होगा, बजाएं ताली? बाबा पूछे बोलो बोलो, तैयार हो? पेपर लेवे आपका? तो ऐसे ही थोड़ी मान जाएंगे, पेपर लेंगे, बच्चे कह रहे होंगे हाँ बाबा तैयार हैं, तो बाबा क्या कहते, ऐसे नहीं मान जाएंगे, पेपर लेंगे, लेंगे पेपर। तो बाबा टीचर्स बहनों से पूछ रहे हैं, टीचर्स बताओ पेपर ले? तो फिर बाबा देखो आगे क्या कह रहे हैं, बाबा कहते सब छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी हैं? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी बच्चों ने बजाई, तो बाबा फिर से पूछ रहे हैं एवर रेडी, पेपर लें, कल अनाउंसमेंट करें? तो बाबा कहते हैं वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ, नहीं, जहाँ हूँ वहाँ हूँ। ऐसे एवरेडी चाहिए कि जहाँ हूँ वहीं तैयार है, अभी ले जाओ, अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, दो दिन करके आए, नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। निकालें ऑर्डर, तैयार हैं? इतना हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, बाबा को भी पता है बच्चों का। तो बाबा कहते सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं, डायरेक्शन दिया उन्होंने, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं दिया। कैसे डायरेक्शन दिया? अपनी संपन्न स्थिति द्वारा। तो ऐसे तैयार हो? ऐसे तैयार,
ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करें, बाबा पूछ रहे हैं, करें हलचल प्रकृति की, ऐसा करना है ये बता देते हैं, ऐसा तो होगा ही, ऑर्डर होगा, पूछकर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो, है ना, तो मेरा तो ये सब देखने वाला पड़ा है। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है, मेरा एरिया, तो विश्व कल्याणकारी की क्या हद, है ना, तो बाबा कहते हैं क्या उनकी हद की एरिया होती है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये भी देह का अभिमान है, मेरा सेंटर, मेरा एरिया, तो देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है, जहाँ मेरा होगा ना वहाँ अभिमान ज़रूर होगा, चाहे अपनी विशेषता के प्रति हो कि मेरी ये विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद नहीं, मेरा नहीं, ये तो प्रभु का प्रसाद है, ये मेरा नहीं है, प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है, यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात ना देह अभिमान, ना देह भान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों, फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म, तो अब क्या तैयारी करेंगे, तो ब्रह्मा बाप का आवाज़ अटेंशन से सुनो, आवाहन कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना, चाहे नंबर वार हो, नंबर वन तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर वन, 16,000 नंबर टू और 9 लाख नंबर थ्री, लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए ना। तो अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। माया कैसे फैल रही है बच्चों में, कि वो नेगेटिव हो रहे हैं और वेस्ट थॉट्स ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। तो वृत्ति में ज़रा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरों के नेगेटिव को भी क्या करेगा, पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। जिसकी खुद ही अंदर नेगेटिविटी चल रही है वो दूसरों को कैसे पॉजिटिव बना देगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि मेरी वृत्ति, माना मेरे विचार कैसे हैं, दृष्टि कैसी है, सर्व के प्रति मैं सब आत्माओं को कैसे देखता हूँ, आत्मा की दृष्टि से देखता हूँ या देह की दृष्टि से देखता हूँ। तो बाबा कहते हैं अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति कैसी हो, सदा बेहद और कल्याणकारी है। तो ज़रा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा, अगर सदा के लिए नहीं है तो, है ना। तो कितनी देर तक किसी के लिए झूठी बातें सोच के रखेंगे, कभी ना कभी तो फिर मन से निकल ही जाता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं है, अपनी गलती को चेक करो, समझा। तो बातों को नहीं देखो, अपने को देखो बस। 99 में ये अपने अंदर धुन लगाओ,
कौन सी धुन? कि जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से भी सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है, बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। तो 99 में सब तैयार हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो देखो ये तब की मुरली है, तो आज भी हम पूछें अपने आप से कि हम तैयार हैं और हम इस साल में हो जाएंगे 2024 में। तो एक वर्ष है ना, ये हो गया ये हो गया ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से ही पता है कि ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, करना है ना, कर सकेंगे 2024 में, कर सकेंगे हम सभी। तो एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तो 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो, है ना। तो हलचल में नहीं आना, अचल, लक्ष्य नहीं छोड़ना, पाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे कई ब्राह्मण हिलाएं, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। तो देखो बाबा ने इसमें दुनिया वालों की बात नहीं की, बाबा ने किसकी बात की है, चाहे कोई भी ब्राह्मण हमें हिलाए, ब्राह्मण रुकावट बनकर हमारे सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है, पाप समान ब्रह्मा बाप समान। पसंद है ये राय? हाँ, तो बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। तो बाबा कहते हैं ये फोटो सभी को भेजेंगे, यहाँ की मूवी में तो कोई मिस भी हो सकता है, लेकिन वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता। तो हम सब की फोटो वतन में बाबा ने खींच ली है। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, ड्रिल करवाने लगे हैं बाबा। तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उठते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा ही नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन है विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प और बोल भी बहुत धोखा देते हैं। ओम शांति।
तो सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवर्त संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परमधाम घर की असीम शांति प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।